नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। अजमेर में पिछले 12 घंटे में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत आज एक सुबह और एक हुई थी कल रात में। निगम द्वारा करवाया जाएगा क्रियाक्रम। अजमेर में पिछले 12 घंटे में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत होने के बाद प्रशासन हड़कंप में आ गया। वहीं मेडिकल टीमों के लिए भी चिंता बढ़ गई। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग की देर रात्रि में मौत हो गई, वहीं एक पॉजिटिव मरीज की मौत सुबह हुई। डॉक्टर संजीव माहेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात्रि में बुजुर्ग पूर्व में मृत विनोद, जो कि कोरोना पॉजिटिव था, उनके ही पिता हैं। उनकी स्थिति ज्यादा गंभीर थी क्योंकि उनकी किडनी भी खराब हो चुकी थी और अन्य बीमारियां भी थी, जिस कारण उनकी मौत हुई है। वहीं दूसरे मरीज को भी काफी बीमारियां थी, जो कि आज सुबह मृत घोषित किया गया। वहीं हमने दोनों शवों को चीरघर में रखवा दिया है। वहीं दोनों शव का नगर निगम द्वारा ऋषि घाटी स्थित शमशान पर क्रियाक्रम किया जाएगा। देखिए, केस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज हमने 2 मरीजों को खो दिया, मतलब कल से लेकर आज तक। उसमें एक सज्जन तो जो हमारे पूर्व में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, उनके पिताजी थे, नाला बाज़ार में मिठाई की दुकान करते थे और वो डायबिटीज़ से पीड़ित थे। काफ़ी लंबे समय से हमारे यहाँ भर्ती थे, करीब करीब 25-28 दिन से हमारे यहाँ भर्ती थे। शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हो पाई थी। बेटे की मृत्यु के बाद वो थोड़े से डिप्रेशन में चले गए थे। साइकेट्री रेफरेंस भी लिया था लेकिन उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। बहुत समझाने के बावजूद भी खाना पीना नहीं चालू किया उन्होंने। कोशिशें भी करी, कुछ तरह की दवाइयाँ भी दी, लेकिन अल्टीमेटली वो उनकी किडनी फेल हुई, उनकी शुगर अनकंट्रोल रही और किडनी फेल होने से उनकी आज कल रात को 9 बजे उनकी डेथ हो गई। एक दूसरे सज्जन जो थे वो उनकी हिस्ट्री ये थी कि वो पर्वतपुरा बाईपास में अनकॉन्शियस मिले थे। उनके कोई पुत्र आर्मी में एयरफोर्स में ऑफिसर थे, तो वो यहाँ पर अनकॉन्शियस मिले और वो घर वाले उनको वहाँ ढूंढ रहे थे। जब यहाँ मिले तो उनके घर जो उनके जेब में तलाश विलाशी ली तो पता लगा उनके लड़के वहाँ आर्मी में हैं, तो उनको फ़ोन किया। जब तक वो यहाँ आए, जब तक उनकी शुगर बहुत ज़्यादा थी, बेहोश थे। शुरू की शुगर उनकी 700 थी, दवाइयाँ देने के बाद 500 आई, लेकिन उनकी बेहोशी टूट नहीं पाई। पहला सैंपल उनका नेगेटिव था, दूसरा सैंपल जो हमेशा शक के बिना पर दूसरा सैंपल भी कराते हैं वो पॉजिटिव आया, और उसके बाद हमने पॉजिटिव वार्ड में आईसीयू में शिफ्ट किया। सारी कोशिशों के बावजूद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो पाई और आज सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। तो जो अभी तक भी हमारी जितनी भी डेथ हुई हैं, इस तरह से कुल मिला के हमारे पास 7 डेथ हो चुकी हैं अजमेर में अब तक, जिसमें हम 6 डेथ तो अस्पताल में हुई है और 1 डेथ जो थी वो ब्रॉड डेथ थी, मतलब वो बच्ची हमारे पास आने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। 6 डेथों में हमारे पास में 6 में से 5 डेथ में हमारे पास में डायबिटीज़ वॉज द कल्प्रिट। सभी मरीजों को अनकंट्रोल डायबिटीज़ थी, इस वजह से उनको तक। अंदरकोट में खीर और सेवैया का वितरण, पुलिस ने अपने हाथों से लोगों में किया वितरण, घरों तक पहुँचाई खीर। आज मुस्लिम समुदाय का मुख्य पर्व ईद है, ऐसे मौके पर कोरोना की मार की वजह से दरगाह क्षेत्र सनसाइन दिखाई दिया, पर अंदरकोट में कुछ मुस्लिम भाइयों ने खीर और सेवैया तैयार कर लोगों के घरों तक भिजवाई। इस मौके पर दरगाह पुलिस भी मौजूद रही और अपने हाथों से लोगों में खीर दी। वही 800 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि दरगाह ईद के मौके पर सनसान है और लोगों ने घरों में रहकर ईद मनाई। और ऐसे न्यूज की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। आज हमने ईद उल फितर के अंदर 2.5 क्विंटल की खीर कुरमा बनाया है, जिसमें हमने हर गरीबों के घरों में पहुंचाने की पूरी कोशिश करी हमारी टीम ने। जहां किसी के यहां पर अगर नहीं बन सकी सिवैया, तो हमारी कोशिश यही कि हर भाई को ये ईद की खुशी के अंदर और सबको मिले। अभी ये कोरोना महामारी के अंदर जो परेशानी हुई है, इस परेशानी के अंदर हमने सोचा कि हम सब भाइयों को जो ईद की खुशी है, मीठी खुशी है, तो हम सब मिलजुल कर इसके अंदर बांटें, आपसी खुशियाँ बांटें। वो 2.5 क्विंटल की हमने खीर और कुरमा बनाया। मोहम्मद आजाद। मुस्लिम समाज ने घरों में रहकर मनाई ईद उल फितर, घरों में बनी मीठी सिवैया। धर्मगुरुओं ने की मुस्लिम समुदाय के लोगों से घरों में रहने की अपील। अजमेर ईद उल फितर के मौके पर घरों में ही रहकर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की बधाई दी। जिस तरह कोरोना महामारी के चलते इस बार लोगों ने ईद का वाह दरगाह में नमाज अदा नहीं की, वहीं धर्मगुरुओं ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए घरों में ही नमाज को अदा करें। वो ये बता दें कि जिस तरह से ईद के मौके पर चारों ओर जिस तरह से चहल पहल नजर आती है, वो इस बार नजर नहीं आई, क्योंकि सड़कों पर न ही इस बार नमाजी नजर आए और न ही दरगाह में इस बार चहल पहल दिखी। भारतीय भाइयों को, सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ईद की नमाज हमने घर पे पढ़ी है और सोशल डिस्टेंस के साथ पढ़ी है। सभी ने रोजे रखे हैं और अल्लाह ताला से दुआ करी है कि कोरोना महामारी से हमें इजाद दे और सभी भाइयों को स्वस्थ रखें और जल्दी से जल्दी इस बीमारी को पूरी जड़ से ख़त्म कर दें। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करेंगे कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन खुश रहे हैं और कोरोना महामारी से इजाद मिले उनको। आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमाज को आज घरों में रहकर अदा की है,
आज जिस तरीके से ईद की नमाज़ पढ़ाई जाती है मस्जिदों में, दरगाह में जाकर नमाज़ पढ़ी जाती है, इस बार हम सब ने ईद की नमाज़ तो पढ़ी नहीं है, इस बार हमने चास के वक्त की नमाज़ पढ़ी है, जिसके अंदर से हमने दो रकात नमाज़ पढ़ी है निफिल की। जो ईद की जो नमाज़ होती है खुतबा होता है उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, गले मिलते हैं नमाज़ के बाद में, इस बार ना किसी ने गले मिले ना किसी से हाथ पिलाया, आज सिर्फ ईद की जो नमाज़ होती है, ईद के अलावा हमने सिर्फ चास की नमाज़ को अदा किया, इसके अलावा कोई नमाज़ नहीं हुई। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया गया है इसके अंदर, और जो रौनक थी ईद की वो रौनक इस बार तो नहीं है, लेकिन हाँ इंशाल्लाह अगली बार ज़रूर होगी। हम सब यही दुआ करते हैं और इस बार नमाज में यही दुआ करिए, रमज़ान में भी सब यही दुआ करिए। नाम मोहम्मद यासीन खान। महीने भर के रोज़े रखे हैं ईद की माहौल में, रोज़े महीने भर के रखे हैं हमने और आज ईद हो गई है, तो ईद की नमाज़ अदा करने के बजाय हमने आज वो जमात की वजह से नहीं होती है ना नमाज़, तो मस्जिद में वो जमात हो जाती है, तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए घर पे ही नमाज अदा करी है और अलग अलग नमाज पढ़ी जाती है इसको, तो फिर वो चास्त की नमाज बोलते हैं हम लोग, और उस नमाज को हमने घर वालों ने मिल के अदा करी है, 4-5 जने थे हम घर के मेंबर्स, उन्होंने मिल के अदा करी। मेरा नाम नजरुद्दीन। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के 800 साल के इतिहास में पहली बार ईद उल फितर की नमाज अदा नहीं की गई। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के खादिम सैयद FS हसन चिश्ती ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार ऐसा हुआ कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में ईद की नमाज अदा नहीं की गई। वही जन्नती दरवाजे को खोल दिया गया लेकिन जन्नती गेट में गुजरने के लिए कोई भी जायरीन मौजूद नहीं था। चिश्ती ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश भर में लॉकडाउन किया हुआ है, जिसके बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि घरों में रहकर ही नमाज को अदा करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए नमाज पढ़ें। बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, और उसके अलावा आपने जैसे देखा कि बैसी से जानशीन सज्जादनशीन साहब में दरगाह शरीफ में अंदर गया था, खुसूसी दुआ की गई कि मुल्क में जो वबा है जल्द से जल्द ख़त्म हो और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर हों। मैं सबसे पहले तो आज प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से डील किया। ये बात सही है कि आज ईद का दिन है, लेकिन हमारी असली ईद उसी दिन होगी जिस दिन हम कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म करेंगे इस मुल्क से। मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ अपने अपने शहर में अपने अपने इलाकों में लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, राज्य सरकारों का सहयोग करें, और जो कोरोना वॉरियर्स हैं चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट से हों चाहे प्रशासन से हों उनका सम्मान करें और उनके साथ बड़े अदब के साथ पेश आएँ, और जितनी भी पाबंदियां आयद की गई हैं इसको किसी अदर वे में ना लें, ये हमारी सहूलत के लिए है। आज अगर हम इन पाबंदियों को अमल में लाएंगे तो इंशाल्लाह ताला कल हमारे दिन अच्छे होंगे। इसी के साथ मैं तमाम देशवासियों को बारगाह गरीब नवाज से ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क से जल्द से जल्द इस वबा को ख़त्म करे, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर हो, उनके निश्चित निजात मिले। फितर का मौका है, किस तरह से चहल पहल रहती है और 800 साल में पहली बार इस बार जो है चहल पहल नजर आई? देखिए बड़ी खुशी का त्यौहार है, जो एकता का त्यौहार है, गले मिलकर एक दूसरे को मोहब्बत की मुबारकबाद देते हैं आज के दिन। लेकिन बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ये बीमारी कोरोना वायरस चली है इसने अपनों से अपनों को दूर कर दिया। इस मौके के ऊपर विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह में भी ये देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ चहल पहल रहती थी, जो यहाँ लोग नमाज़ पढ़कर एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे गले लगकर, वो आज यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका बड़ा अफसोस और बड़ा दुख है। मेरी जानकारी के अनुसार दरबार को 850 साल हो गए, 850 साल में पहला मौका ऐसा आया है कि जो यहाँ भीड़ और जो चहल पहल थी वो देखने को नज़र नहीं आ रही है। तो मैं विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह में गद्दी नशीन के एहसास से ये दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क सहित पूरे विश्व से ये बीमारी का यलसल खात्मा हो और जो देश में और दुनिया में जो चहल पहल खुशी है वो फिर लौटे। और इसी के साथ मैं सबको ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए ये अपील करना चाहता हूँ ख्वाजा साहब की बारगाह से कि यहाँ मुल्क की खुशहाली व भाईचारे के लिए दुआएं होती हैं, हम सब एक साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सक्सेस रहें, हमारा मुल्क आगे से आगे बढ़े। इसी के साथ मैं ईद उल फितर की सबको मुबारकबाद देता हूँ। SF हसन चिश्ती, गद्दी नशीन, ख्वाजा साहब। जन्नत दरवाज़ा भी खुलता है ईद में, बकरीद में, ईद की 6 तारीख को और गरीब नवाज के उर्स पे, तो जन्नत दरवाज़ा भी खुल दिया गया। सिर्फ हम लोग जो वाबस्ता है दरबार हैं, गरीब नवाज से जो रिश्ता है, वो लोग दरगाह के अंदर जा रहे हैं,
बाकी आम लोगों के नहीं, आम जनों के लिए। हरिद्वार जाने के लिए निःशुल्क बस सेवा होगी शुरू। एक परिवार से दो जनों को होगी अनुमति। ऑनलाइन किए जाएंगे रिजर्वेशन। कोरोना काल के बीच जिन भी लोगों की मृत्यु हुई उनके परिवारजन उनके अस्थियों का विसर्जन करने नहीं जा पा रहे थे। इसी बीच अजमेर के दोनों विधायक द्वारा भी अजमेर से कई परिवारों को अस्थियां लेकर हरिद्वार भेजने का बंदोबस्त करवाया गया था, परंतु अब राज्य सरकार भी ऐसे लोगों को हरिद्वार भेजने का इंतजाम करवा रही है जिसके घर में मृत्यु हुई है। आज रोडवेज अधिकारी ने बताया कि एक परिवार से दो जने हरिद्वार जा पाएंगे जिसका रिजर्वेशन ऑनलाइन होगा। इसके अलावा बस में केवल 30 सवारी ही बैठ पाएगी। ये मुख्यालय के द्वारा हमारे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जी के द्वारा मोक्ष कलश यात्रा के लिए बस शुरू की है जो हरिद्वार ले जाएगी। इसलिए मैं एक परिवार से दो लोग यात्रा कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका रिजर्वेशन होगा, ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाएं और एक परिवार से दो लोग इसमें यात्रा कर सकते हैं। तो बस में कितने लोग सवार होंगे? इस बस में ज़्यादा से ज़्यादा 30 लोग से ज़्यादा सवार नहीं होंगे। अजमेर की बात करते हो, अजमेर में कुल कितनी बसों को इसके लिए? जितनी भी बसें, जितना भी वो ऑनलाइन रिजर्व, एक दिन में 5 बसें के आसपास जाएंगी और जो भी ऑनलाइन रिजर्वेशन होगा जिस जिसका नंबर आता जाएगा उसको भेजते जाएंगे। सभी निःशुल्क रहेंगे? दो महीने से वृद्ध महिला का बेटा दरगाह क्षेत्र से लापता। वृद्ध महिला काफी समय से ढूंढ रही है अपने 50 वर्षीय बेटे को, पुलिस से भी नहीं मिल पा रही मदद। आज एक वृद्ध महिला ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की। अमीना नामक महिला महाराष्ट्र की और 4 महीने से अजमेर में है। अब उसका बेटा पिछले 2 महीने से लापता है। महिला का कहना है कि उसके बेटे का नाम अब्दुल रजाक है और काफ़ी समय से नहीं मिल रहा है। महिला उसे दिन रात ढूंढ रही है। महिला का कहना है कि दरगाह थाने पर भी उसने गुहार लगाई परंतु किसी प्रकार से कोई मदद नहीं मिल पाई। अब वो इधर उधर भटक रही है। इस खबर के माध्यम से हम आपको महिला की बेटी की तस्वीर पहुँचा रहे हैं। अगर आपको ये शख्स कहीं दिखाई दे तो सीधा दरगाह थाने पर संपर्क करें। बताइए माता जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं कब्रिस्तान में, उधर 2.5 दिन की झोपड़ी के पीछे। तो वहाँ से निकला जरा बाहर तो उसने पकड़ लिया, तो मिला ही नहीं। जब से मेरे को, मैं सब जगह जाती, पुलिस चौकी गई इनसे लिखाने को, तो लिखाई तो नहीं मेरी और मेरे को भगा डाले। कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए उसको। अच्छा। 2 महीने से ढूंढ रही मैं, मेरे को 20 दिन रखे। मैं जाती मेरे बच्चे के लिए तो मेरे को अंदर कर देते, 1 दिन 2 दिन अंदर करे। मैं बोली मेरा बच्चा लाओ, नहीं तो फिर मेरे को छोड़ो। तो फिर मेरे को छोड़ दिए। कहाँ से आए आपको? हम महाराष्ट्र जालने के। वो मुंजा लाई थी मेरा दाता। अच्छा। उसकी औरत ने कर दी करके लेके 4 महीने हो गए। चाह अभी क्या कर रहे हो? अभी तो कुछ नहीं, सिर्फ ढूंढते फिरती मेरे बच्चे को, मैं कुछ नहीं कर रही। क्या नाम है बच्चे का? अब्दुल रजाक है। क्या उम्र क्या होगी उसकी? होंगी अब 50 साल की। खाना पीना कैसे खा रहे हो? देते हुआ खाना। अच्छा, तो क्या मानते हो कि आज यही दे तो? अरे वो ऊपर वाले को ये इधर कुछ थाने पे गए थे क्या? थाने पे गई, दूसरी बार गई तो बेचारों ने ये करे। थाने पे भी गई तो भगा डालते, यहाँ भी आई थी तो भगा डाले। कौन से थाने गए थे? वो उधर का दरगाह के थाने पे भी गई तो भगा डालते। उसको कोई नहीं लेंगे, बोलते पागल है, ऐसे बोल के भगाते। आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी दरगाह थाने में? नहीं लिखी। मेरे बच्चे ने, नवासे ने व्हाट्सएप पे फोटो भेजाया खादिम लोगों को, वो भी नहीं केयर कर रहे हो। मेरे पास नंबर है। आपका नाम बताओ? अमीना बी शेख अब्दुल। पंचशील स्थित कॉलोनी में बजरी से भरे ट्रेलर आने के बाद हंगामा। कृष्णगंज थाना पुलिस पहुंची मौके पर। क्षेत्र में चल रहा है निर्माण कार्य। अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र के पंचशील स्थित कॉलोनी में आज सुबह बजरी से भरे ट्रेलर के आने के बाद मौके पर क्षेत्रवासियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा है और लगातार यहां बजरी के ट्रेलर आ रहे हैं। वहीं क्षेत्रवासियों ने पुलिस को सूचना दी और किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रेलर को अपने साथ ले गई। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि ये आए दिन अवैध रूप से बजरी के ट्रेलर आते हैं और गली सकड़ी होने की वजह से यहाँ बड़ी गाड़ियों से मकानों में टूट फूट हो जाती है। वहीं पुलिस ने ट्रक जब्त कर पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हमें शिकायत मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को अपने साथ लेकर आए हैं और कागज चेक किए जा रहे हैं। वहीं अगर बजरी अवैध पाई जाती है तो हम ट्रक जब्त कर कार्रवाई करेंगे। बैरिकेड की वजह से रामबाग के पास डिस्पेंसरी तक जाने में लोगों को हो रही है परेशानी। प्रशासन से उस जगह से बैरिकेड हटवाने की मांग। रामबाग के पास लगे बैरिकेड की वजह से रामबाग स्थित डिस्पेंसरी पर मरीज नहीं पहुंच पा रहे हैं। डॉक्टर हेमंत अरोड़ा ने बताया कि बैरिकेड की वजह से स्टाफ को भी डिस्पेंसरी तक पहुंचने में काफ़ी परेशानी हो रही है, जबकि गाइडलाइन है कि डिस्पेंसरी पर मरीज आ सकते हैं। कुछ दिन पहले एक महिला बैरिकेड की वजह से डिस्पेंसरी तक नहीं पहुंच पाई, इस वजह से वह वहीं पर बेहोश हो गई। इसलिए प्रशासन से मांग की जा रही है कि डिस्पेंसरी के पास लगे बैरिकेड हटवाए जाए ताकि मरीजों को डिस्पेंसरी तक पहुँचने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो।
जी बैरिकेड लग रहे हैं सर ये रामबाग चौराहे पे, इनसे होने वाली समस्या क्या है सर? एक्चुअली देखिए ये रामबाग चौराहे पे सरकारी डिस्पेंसरी है, भगवानगंज रामगंज की डिस्पेंसरी। हाँ सर। तो इन्होंने दोनों तरफ बैरिकेड लगा के और डिस्पेंसरी का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। जबकि COVID-19 में ये सरकार ये कहती है कि अस्पताल की रास्ता तो आप खुला रखिए, जब मरीज को देखने के लिए तो अस्पताल खुले रहेंगे, और यहाँ तो इन्होंने अस्पताल को बंद ही कर दिया। हमने इनको कई बार भी बोला, यहाँ के मजिस्ट्रेट को भी बोला जो लोकल मजिस्ट्रेट था कि भाई आप ये रास्ता तो खुलाइए, और उनके सामने भी एक महिला है ना बेहोश होकर गिर गई थी, अब वो बेचारी रास्ता नहीं आएगा तो वो कैसे क्रॉस करके आएगी, तो मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपकी मोबाइल वैन कहाँ से निकलती सर? फिर मोबाइल वैन भी आती है तो वो बहुत घूम के आती है। हाँ सर। सर अपना परिचय। मैं डॉक्टर हेमंत अरोड़ा, इंचार्ज रामगंज। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonin.com। सच के साथ।